ना वो स्टेरॉइड्स लेते, रेगुलर अपना कार्डियो भी करते, हेल्दी हैबिट्स है उनकी और उम्र में भी कम है, यंग एज में, लेकिन स्टिल उनको हार्ट अटैक हो रहे। तो इसका रीजन क्या है? ये जिम से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये तो आदमी गरबा खेलते भी मर रहे हैं, जी लोग स्कूल में मर रहे हैं, कई बच्चे मर रहे हैं, जो हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो इसको जिम से एसोसिएट करना ही गलत है। किसी एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, उसका डायरेक्टली लेना देना है कि उनकी बॉडी में क्या बीमारी चल रही है जो उन्हें नहीं पता। अगर कोई पर्सन किसी भी तरीके से रास्ते में गिर गया है, तो वो रास्ते में या वो गाड़ी का या वो स्कूटर चला रहा है, उसकी कहाँ कोई गलती हो सकती है? उस आदमी के अंदर बीमारी है, जो उसे या तो उसे कोई सिम्टम नहीं आया, उसकी किस्मत खराब थी, या तो उसको कोई सिम्टम आया, उसने इग्नोर किया। तो इसमें कोई लेना देना नहीं है बॉडी बिल्डिंग का, पहला पॉइंट है। कोई लेना देना नहीं है जिम का, कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके की एक्टिविटी का। आपको जरूर है कि अपने बॉडी के रेगुलर टेस्टिंग होने चाहिए। अगर आपके कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आपको ये देखना है कि एज कम्पेयर टू बिफोर, कि 1 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले मैं जितना एक्टिव था, क्या मैं आज वही एक्टिविटी में मेरी सांस फूल रही, क्या मुझे मुझे दर्द होने लग रहा है, क्या मैं थका थका महसूस कर रहा हूँ। ये बच्चे में भी होगा, आयरन की कमी नंबर 1 रीजन है फीमेल्स में, बच्चों में आज के डेट में बहुत कॉमन है। B12 डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, इग्नोरेंस ये सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से इश्यू आ रहा है, और बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो लोगों को इक्वली कवर करते हैं, इक्वली अफेक्ट करते हैं। आप उसमें पोल्यूशन डाल दो, उसमें आप कोरोना का जो वायरस आया था उसके वजह से कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ गया, वैक्सीन का इफेक्ट डाल लो, कुछ वैक्सीन के इफेक्ट थे, उसके बाद में आप उसके साथ में आज की अनहेल्दी लाइफस्टाइल डाल लो, रात दिन लोगों की एक्सरसाइज नहीं होना, जंक फूड खाना, यू कैन नॉट ब्लेम वन थिंग, यू कैन ब्लेम द होल लाइफस्टाइल। सो यहाँ पर पॉइंट है कि लाइफस्टाइल खराब है और कुछ नहीं। तो इट्स लाइक डोमिनो इफेक्ट, यानी एक के ऊपर एक चीज आ रही है, फिर एकदम से हो। डोमिनो से भी ज्यादा ये किस्मत की बात है। नोबडी नोज, ऐसे भी लोग हैं जो सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं रोज के, और उनको कुछ नहीं हो रहा। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना तक की एक सिम्टम तक नहीं आया, और ऐसे लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से बचे हैं और हर छोटी मोटी बीमारी में बार बार अस्पताल पहुंच जाते हैं। सो हर इंसान अलग है, हर इंसान को अपने शरीर के बारे में सोचना है, और हर इंसान को अपने शरीर को समझने के लिए टेस्ट कराने, क्योंकि अवेलेबल है ना, ऑप्शंस हैं आपके पास, टेस्ट कर सकते हो, 1, 2, 3, 10 डॉक्टर के पास जा सकते हो। कोई कनाडा यूएस में नहीं बैठा है कि डॉक्टर के पास जाने को ही 15 पता नहीं कितने महीनों की लाइनें लगानी पड़ती है। इंडिया में हो आप खुशकिस्मत।